नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेली फिल्मी में। 2021 की मच अवेटेड मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 2021 की मच अवेटेड मूवी एनिमी के बारे में। डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर, तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। एनिमी इज एन अपकमिंग तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। उसे डायरेक्ट किया है आनंद शंकर ने और उसे प्रोड्यूस किया है मिनी स्टूडियोज ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली है। टीजर लॉन्च हो गया है। इस मूवी का नया पोस्टर रिलीज हुआ है जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक लग रहा है। और वही दोस्तों, इसका लास्ट शेड्यूल जो कि दुबई में शूट किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाली ये स्टोरी में दोनों हीरोज एक दूसरे के ऑपोजिट लड़ते नजर आएंगे और अपना बदला लेते नजर आएंगे। पोस्टर में विशाल को स्नाइपर राइफल पकड़े हुए दिखाया गया है। यह प्रोजेक्ट ए हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने के लिए इतला दे दी गई है और इसमें विशाल और आर्य लॉकिंग हॉर्न देंगे। शत्रु में मृणालिनी रवि भी प्रमुख महिला के रूप में है, जबकि प्रकाश राज एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाएंगे। यह आनंद की चौथी डायरेक्टर प्रोजेक्ट होगी। उनकी आखिरी रिलीज विजय देवगोंडा स्टारर तमिल तेलुगु राजनीतिक ड्रामा नोटा थी। यह दूसरी बार होगा कि जब विशाल और आर्य स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे। उन्हें पहले तमिल फिल्म अवान इवान में एक साथ देखा गया है। इस बीच आर्य ने हाल ही में आगामी बॉक्सिंग आधारित फिल्म सालपटे की शूटिंग पूरी की है। आर्य ने अपनी चरित्र की तैयारी में भारी शारीरिक परिवर्तन किया है। आर्य को बच्चों की फिल्म टेडी की रिलीज का भी इंतजार है, जिसमें उनकी पत्नी शायशा भी है। टेडी जो एक बातूनी टेडी बियर और एक पुलिस अधिकारी के साथ उनके संबंधों पर केंद्रित है का निर्देशन शक्ति सुंदर राजन ने किया है। दूसरी ओर विशाल अपनी आगामी तमिल एक्शन फिल्म चक्र की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में श्रद्धा श्रीनाथ भी है। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। तो दोस्तों, ये मल्टी स्टारर होने वाली है। इसमें हमें विशाल, आर्या, मृणालिनी रवि, ममता मोहनदास, प्रकाश राज, थम्बी रामा है, करुणा कर, मालविका, अविनाश देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों, इसकी रिलीज डेट की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अब हम सोशल मीडिया पोर्टल की बात सुने तो ये हमें एंड ऑफ 2021 या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2022 में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।